जिला प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद भी झोलाझाप डॉक्टरों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। कहते हैं धरती पर डॉक्टर का दर्जा भगवान से कम नहीं, लेकिन वहीं डॉक्टर मरीजों को प्राथमिकता ना दे और मरीजों के साथ खिलवाड़ करे और जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग इन डॉक्टरों की करतूतों की अनदेखी करे तो सवाल गंभीर हो जाता है। जोधपुर शहर व शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे रोजाना ही कई मामले सामने आते हैं, जहां झोलाझाप डॉक्टरों के इलाज के कारण कईयों की जान चली गई और जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग कार्यवाही की जगह चुप्पी साधे बैठा है। झोलाझाप डॉक्टर का गुरुवार को एक मामला सालावास से आया है, जहां झोलाझाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला की जान चली गई। गांव व निम्न श्रेणी की बस्तियों में झोलाझाप डॉक्टरों का कारोबार स्वास्थ्य विभाग की सरपरस्ती में अच्छे से फल फूल रहा है और ये मौत के सौदागर मरीजों को ठगने में लगे हुए हैं। ऐसा ही ताज़ा मामला आया है सालावास गांव से, जहां एक झोलाझाप डॉक्टर के इलाज से महिला की जान चली गई। तनावड़ा फांटा निवासी महिला सुगना भाट पत्नी वांगीलाल को उसके परिजन पेट दर्द के चलते इलाज के लिए क्लिनिक लाए, जहां बिना डिग्री वाले डॉक्टर चंचल कुमार ने इलाज करना शुरू कर दिया। गलत इलाज के चलते महिला की हालत खराब हो गई और महिला अचेत हो गई, जिसके आनन फानन में इंजेक्शन के बाद ड्रिप चढ़ा दी, जिसके कारण महिला का पेट फूलने लगा और पेट फूलते ही महिला के पेट से एकदम यूरिनल पाइप बाहर आ गया, जिससे उसकी हालत खस्ता हो गई। उसने कुछ समय बाद दम तोड़ दिया और झोलाझाप की लापरवाही के कारण ही महिला की मौत हुई है और कोई कारण नहीं। सरगला समाज में गायकी में एक युवा सितारा इन दिनों खूब उभर रहा है और अपने और समाज का नाम कमा रहा है। समाज वाले भी युवा सितारे को अपने पलकों पर बैठा रहे हैं। सरगरा समाज का उभरता हुआ युवा कलाकार महेंद्र सागर, जो अपनी अरगण बजाने की कला से सरगरा समाज का नाम कर चुका है। महेंद्र ने राजस्थान के जाने माने कलाकारों के साथ अपनी अरगण बजाने की कला का जादू भारत के कई राज्यों में बिखरे। ये कलाकार अपनी उंगलियों के साथ साथ मोबाइल से अरगण बजाकर कई गायक कलाकारों व दर्शकों को मोहित कर चुका है। रक्षाबंधन के दिन एक समाज का गाना तेज कटार सरगरा ने अपनी आवाज में निकाला, जिसको समाज अलावा 36 कौम ने सराहना की। समाज के अलावा अन्य लोग भी जगह जगह स्वागत व बहुमान कर रहे हैं, माला साफा पहनाकर जगह जगह स्वागत कर रहे हैं।